दोस्तों, किताबें पढ़ना और उन्हें रखने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन आजकल मोबाइल फोन इन किताबों की जगह ले ली है। अब तो किताबें मात्र लिविंग रूम में सजाने के काम में आती हैं। लेकिन दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब किताबें पुरानी हो जाती हैं, तब किताबों के पन्ने सफेद से पीले रंग में बदलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कुछ सालों बाद किताबों के पेज सफेद से पीले रंग में बदल जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी? वेल दोस्तों, किताबों के पन्नों का पीले रंग में बदलने के रहस्य में कई मिथ भी हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि जब किताबें बूढ़ी हो जाती हैं, यानी कि किताबें जब कुछ सालों की हो जाती हैं, तब किताबों के पेज पीले रंग में बदलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक मिथ है। हकीकत तो ये है कि किताबों के पन्नों का रंग बदलना एक केमिकल रिएक्शन है। दरअसल दोस्तों, कोई भी किताब के कागज बनते हैं लकड़ी से, और लकड़ी में मौजूद होता है एक केमिकल जिसका नाम है लिग्निन। अब होता क्या है, किताबों के पन्नों में मौजूद लिग्निन केमिकल ऑक्सीजन से सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन करने लगता है, जिससे किताबों के पन्ने पीले रंग में बदल जाते हैं। और यह केमिकल रिएक्शन इतनी धीमी होती है कि किताबों के सफेद पन्ने पीले रंग में बदलने के लिए कई सालों का समय लग जाता है। आपको यह जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस अमेजिंग फैक्ट्स को खुद तक सीमित मत रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और आप हमारे फैक्ट इन वर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियो लाते रहें।